दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। दोस्तों आज की जो कहानी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनंसिएशन के बारे में पता चलेगा और जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द टू फ्रेंड्स। क्या मतलब हुआ? दो दोस्त। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने और यदि आपको कोई नया वर्ड मिले तो आप उसे नोट भी जरूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस टू बेस्ट फ्रेंड्स वर वॉकिंग थ्रू द डेजर्ट। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है। जब हम किसी भी वाक्य में वॉज या वर्ब का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो इस तरह का जो वाक्य होता है वो पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य कहलाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? वंस एक बार, टू बेस्ट फ्रेंड्स मतलब दो सबसे अच्छे दोस्त वर वॉकिंग थ्रू द डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब होता है मरुस्थल या कहते हैं या कह सकते हैं रेगिस्तान। मतलब एक बार दो सबसे अच्छे दोस्त एक रेगिस्तान में एक मरुस्थल में टहल रहे थे या कह सकते हैं चल रहे थे। ड्यूरिंग सम पॉइंट ऑफ द जर्नी दे हैड एन आर्गुमेंट। क्या मतलब हुआ? ड्यूरिंग सम पॉइंट ऑफ द जर्नी, जर्नी का मतलब यात्रा, मतलब यात्रा के, और ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान। तो इसलिए पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? ड्यूरिंग सम पॉइंट ऑफ द जर्नी मतलब कि यात्रा के करने के दौरान किसी समय पर दे हैड एन आर्गुमेंट। दे हैड एन आर्गुमेंट का मतलब हुआ कि उनका कोई किसी तरह की बहस हो गई। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? ड्यूरिंग सम पॉइंट ऑफ द जर्नी दे हैड एन आर्गुमेंट मतलब कि यात्रा करने के दौरान किसी समय पर उनकी एक बहस हो गई। एंड वन फ्रेंड स्लैप्ड द अदर वन ऑन द फेस। क्या मतलब हुआ? दोस्तों स्लैप का मतलब होता है थप्पड़ मारना और ये सेकंड फॉर्म है। और जब आप कोई भी पास्ट इंडेफिनेट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहां पर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना होता है। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव का सेंटेंस है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि एंड वन फ्रेंड और एक दोस्त ने स्लैप्ड द अदर वन मतलब कि दूसरे को थप्पड़ मार दिया ऑन द फेस मतलब कि चेहरे पर या कह सकते हैं मुंह पर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि यात्रा करने के दौरान किसी समय पर उनकी बहस हो गई और एक दोस्त ने दूसरे के चेहरे पर दूसरे के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। चलिए आगे देखिए। द वन हु गॉट स्लैप्ड वॉज हर्ट। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो हमारा हु है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका मतलब होता है जिसने या फिर जो। द वन हु गॉट स्लैप्ड वॉज हर्ट मतलब जिसे थप्पड़ लगा था वॉज हर्ट, वो हर्ट हो गया मतलब कि उसे चोट लगी। बट लेकिन डिड नॉट से एनीथिंग। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनेट का नेगेटिव वाक्य है। जब आप पास्ट इंडेफिनेट का कोई भी नेगेटिव वाक्य बनाते हैं तो वहां डिड नॉट का प्रयोग करना होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ? बट डिड नॉट से एनीथिंग लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि द वन हु गॉट स्लैप्ड वॉज हर्ट बट डिड नॉट से एनीथिंग मतलब जिसे थप्पड़ लगा था उसके चोट लगी लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। He bent down. Bent down का मतलब था झुकना। He bent down, वो नीचे झुका। And wrote in the sand. Sand का मतलब होता है बालू या फिर रेत। और ये राइट की सेकंड फॉर्म है और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनेट का वाक्य है। तो क्या मतलब हुआ? He bent down, वो नीचे झुका। And wrote in the sand, और उसने रेत में लिखा। Today, आज my best friend slapped me. क्या मतलब हुआ? टुडे माई बेस्ट फ्रेंड स्लैप्ड मतलब आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दोनों दोस्त हैं और इनकी कोई बहस वगैरह हो गई है जिसकी वजह से एक दोस्त ने दूसरे को थप्पड़ मारा। चलिए आगे देखते हैं। दे कैप्ट ऑन
वॉकिंग अनटिल दे फाउंड एन ऑसिस. क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है कैप्टन वॉकिंग, ये पास्ट का सेंटेंस है. और जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां पर हम ये शो करना चाहते हैं कि पास्ट में सब्जेक्ट के कोई द्वारा काम बराबर किया जाता रहा, तो वहां पर हमें कैप्ट का प्रयोग करना होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है. आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, दे कैप्ट वॉकिंग या फिर दे कैप्टन वॉकिंग. तो ये दोनों ही तरीके से आप इस वाक्य को बना सकते हैं. तो क्या मतलब हुआ? दे कैप्टन वॉकिंग, वह चलते रहे. अनटिल, अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं. अनटिल दे फाउंड एन ओसिस, दोस्तों ओसिस का मतलब होता है मरुस्थल में कोई जल का क्षेत्र, या कह सकते हैं कोई झरना वगैरह, या फिर कोई झील जो विशेषकर रेगिस्तान में होती है. तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? दे कैप्ट ऑन वॉकिंग अनटिल दे फाउंड एन ओसिस, मतलब वे, और दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग, जो कि एक प्लूरल नाउन है. मतलब कि वे चलते रहे जब तक उन्हें एक ओसिस, मतलब जब तक उन्हें एक झरना नहीं मिल गया, कह सकते हैं जब तक उन्हें एक झील नहीं मिल गई. वेयर, जहां दे डिसाइडेड टू टेक अ बाथ. और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है, यहाँ पर दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है. जो पहली वर्ब है वो है डिसाइड, जिसका मतलब होता है तय करना, फैसला करना. और टेक का दूसरी वर्ब है, टेक के बाद मतलब स्नान करना, नहाना. और जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ दो वर्ब का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पहली वर्ब के बाद आपको टू का प्रयोग करना होता है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होता है. तो क्या मतलब हुआ? वेयर, जहाँ पर दे डिसाइडेड टू टेक ए बाथ, जहाँ उन्होंने फैसला किया टू टेक ए बाथ, स्नान करने का, या कह सकते हैं नहाने का उन्होंने फैसला किया. चलिए आगे देखिए. द वन हु हैड बीन स्लैब्ड गॉट स्टक इन द मायर एंड स्टार्टेड ड्राउनिंग. क्या मतलब हुआ? The one who had been slapped. और दोस्तों ये जो आप वाक्य देख रहे हैं had been slapped, ये हमारा past perfect का passive voice का वाक्य है. Past perfect का में जब आप कोई भी passive voice का sentence बनाते हैं, तो आपको वहाँ पर had been का प्रयोग करना होता है helping verb के रूप में, और साथ में verb की third form का प्रयोग किया जाता है. तो इस पूरी line का क्या मतलब हुआ? और stuck का मतलब होता है फंस जाना. तो आप इस चीज को note कर सकते हैं. The one मतलब कि वो व्यक्ति या वो who had been slapped, मतलब जिसको थप्पड़ मारा गया था, got stuck, वो फंस गया. इन द मायर, मायर का मतलब दलदल, वो दलदल में फंस गया. एंड स्टार्टेड ड्राउनिंग, और वो डूबने लगा. और आप इस वर्ड को भी नोट कर सकते हैं, ड्राउन का मतलब डूबना, और वो डूबने लगा. बट लेकिन वॉज सेव्ड, लेकिन उसे बचाया गया बाय हिज फ्रेंड, अपने दोस्त के द्वारा. तो दोस्तों यहां तक आपको कहानी अच्छे से समझ आ गई होगी. एक बार मैं इसको समराइज कर देता हूं ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें. जैसा आपने देखा इस स्टोरी में, दो दोस्त थे जो कि रेगिस्तान में जा रहे थे, और उनमें किसी बात को लेकर बहस हो गई. और बहस के दौरान एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को थप्पड़ मार दिया, लेकिन उसने उसको कोई भी कुछ नहीं बोला. सिर्फ उसने रेत पर लिखा कि आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा. जब वो आगे गए तो उन्हें एक झरना मिला, जहां पर उन्होंने सोचा कि यहां पर हमें नहाना चाहिए. उन्होंने नहाने का फैसला किया, और जिस व्यक्ति को थप्पड़ लगा था वो एक दलदल में फंस गया, और वो डूबने लगा. और उसको किसने बचाया? उसके दोस्त ने उसकी जान बचाई. चलिए आगे देखिए. आफ्टर ही रिकवर्ड एंड रीगेन्ड हिमसेल्फ. रीगेन का मतलब होता है होश में आना, और रिकवर का मतलब होता है किसी चीज से उबरना, ठीक होना. मतलब जब वो ठीक हुआ, आफ्टर रिकवर्ड एंड रीगेन्ड हिमसेल्फ, और उसे दोबारा से होश आया. He wrote on a stone, और ये भी ये राइट की सेकेंड फॉर्म है. He wrote on a stone, उसने एक पत्थर पर लिखा. Today आज my best friend saved my life. उसने क्या लिखा? Today आज my best friend saved my life. आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरे जीवन को बचाया. चलिए आगे देखिए. The friend who had slapped and saved his best friend asked him. क्या मतलब हुआ? और दोस्तों यहाँ पर हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया. ये स्लैप्ड जो है ये सेकंड फॉर्म भी है, थर्ड फॉर्म भी है, और यहाँ पर इसे थर्ड फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया. तो जब भी किसी वाक्य में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो इस तरह का जो वाक्य होता है वो पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस कहलाता है. तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? और ये जो हु है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है. द फ्रेंड, दोस्त, मतलब वो दोस्त हु हैड स्लैप्ड, मतलब जिसने थप्पड़ मारा था. एंड सेव्ड हिज बेस्ट फ्रेंड, और जिसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को बचाया था. आस्क्ड हिम, उसने उससे पूछा. आफ्टर आई हर्ट यू, मतलब जब मैंने तुम्हें हर्ट किया, मतलब जब मैंने तुम्हें मारा. यू रोट इन द सैंड, आपने मतलब कि आपने रेत में लिखा. एंड नाउ, और अब. यू राइट ऑन अ स्टोन, और अब आप एक स्टोन पर, एक पत्थर पर लिखते हो. वाई, क्यों? तो दोस्तों यहां तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि जैसा हमने कहानी में देखा कि जब उसको
मतलब होश आया, जो व्यक्ति डूब रहा था उसने अपने मतलब उसने एक पत्थर पर लिखा कि आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जान बचाई। और जिस व्यक्ति ने मतलब जिस दोस्त ने उसको थप्पड़ मारा था उसने उससे पूछ लिया कि भाई ऐसा क्यों कि जब मैंने आपको हर्ट किया, जब आपको मैंने मारा तो आपने लिखा मतलब कि रेत में लिखा और अब आप इसको पत्थर में लिख मतलब अब आप इसको पत्थर पर लिख रहे हो, तो ऐसा क्यों। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है स्टोरी में। दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं कि ये जो दोस्त है वो पत्थर पर लिख रहा है कि टुडे माय बेस्ट फ्रेंड सेव्ड माय लाइफ। तो आप इस चित्र को भी देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। द अदर फ्रेंड रिप्लाइड। रिप्लाई का मतलब होता है किसी बात का जवाब देना। द अदर फ्रेंड रिप्लाइड, दूसरे दोस्त ने जवाब दिया। व्हेन समवन हर्ट्स अस वी शुड राइट इट डाउन इन सेंड। क्या मतलब हुआ? व्हेन समवन हर्ट्स मतलब जब आपको कोई हर्ट करता है, मतलब जब आपको कोई चोट पहुंचाता है या हानि पहुंचाता है, जब हमें कोई हानि पहुंचाता है चोट पहुंचाता है, वी शुड राइट इट डाउन इन सेंड। और शुड का मतलब होता है चाहिए। वी शुड राइट इट डाउन इन सेंड, हमें उस चीज को रेत पर लिखना चाहिए। वेयर, जहां पर। विंड्स ऑफ फॉरगिवनेस। दोस्तों फॉरगिवनेस एक नाउन है, आप इसको नोट कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है माफी। तो क्या मतलब? वेयर, जहां। विंड्स ऑफ फॉरगिवनेस मतलब जहां पर जो हवाएं हैं माफी की, कैन इरेज इट, वो उसे मिटा सकें, अवे। कैन इरेज इट अवे मतलब वो उसको मिटा सकें। बट लेकिन व्हेन समवन डज समथिंग गुड फॉर अस, लेकिन जब कोई व्हेन समवन डज समथिंग गुड फॉर अस, लेकिन जब कोई आपके लिए कुछ अच्छा, हमारे लिए कुछ अच्छा करता है, वी मस्ट इनग्रेव इट। वी मस्ट इनग्रेव, इनग्रेव का मतलब होता है किसी चीज पर कुरेद कर लिखना। वी मस्ट इनग्रेव इट, हमें उस पर कुरेद कर लिखना चाहिए। वी मस्ट इनग्रेव इट ऑन स्टोन, पत्थर पर। वेयर, जहां। नो विंड कैन एवर इरेज इट, जहां पर कोई भी हवाएं या कोई भी हवा उसे कभी भी ना मिटा सके। तो दोस्तों इसको आप अच्छे से समझ आ गया होगा, आपको मैं एक बार दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो दोस्त था उसने उस चीज का क्या जवाब दिया कि जब कोई हमें चोट पहुंचाता है या फिर हानि पहुंचाता है तो हमें उस चीज को लिखना चाहिए, हमें उस चीज को रेत पर लिखना चाहिए जहां पर जो हवाएं हैं माफी की हवाएं वो उसको मिटा सके। जाहिर सी बात है दोस्तों आप इस बात को समझ ही गए होंगे, यदि हम कोई चीज रेत पर लिखते हैं रेगिस्तान में तो जब हवाएं चलेंगी तो शायद वो चीज आसानी से मिट जाएगी। और उसने फिर और क्या बोला कि लेकिन जब कोई आपके साथ कुछ अच्छा करता है, हमारे लिए कुछ अच्छा करता है, तो हमें उसे पत्थर पर कुरेद कर लिख देना चाहिए, पत्थर पर, ताकि कोई भी हवा उसे ना मिटा सके। तो चलिए दोस्तों अब इस कहानी का मॉरल भी देख लेते हैं। Wisely said मतलब इस चीज को बुद्धिमानी से कहा गया है। Remember the good deeds done by others for you and forget the bad ones। क्या मतलब हुआ? दोस्तों deeds का मतलब होता है काम या चीजें। तो क्या मतलब हुआ? Remember, वो remember मतलब याद रखना। Remember the good deeds मतलब कि अच्छे कामों को याद रखो। Done by others फॉर यू, जिन्हें मतलब कि दूसरों के द्वारा किया गया है आपके लिए। एंड फॉरगेट द बैड वंस, और जो बुरी है मतलब जो बुरे काम है, बुरी चीजें, उनको भूल जाओ। तो दोस्तों ये इस कहानी का मॉरल था, और मैं समझता हूँ कि जो कहानी का सार है और कहानी का जो मैसेज है आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। जैसा हमने इस कहानी में देखा कि एक जो दोस्त था वो दूसरे दोस्त से हर्ट हुआ, लेकिन उसने उस बात को रेत पर लिखा ताकि वो इजीली मिट सके, लेकिन जब उसके साथ उसके दोस्त ने उसका जीवन बचाया, जान बचाई, उसने उस चीज को पत्थर पर लिखा, तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है या कहानी हमें क्या सिखाती है कि जीवन में यदि हमारे साथ कोई बुरा सलूक करता है या कुछ हमारे साथ गलत करता है तो हमें उन चीजों को भूल जाना चाहिए, हमें और शायद उनको माफ भी कर देना चाहिए। लेकिन यदि कोई व्यक्ति हमारे साथ अच्छा करता है या फिर हम पर कोई एहसान करता है, जो चीज़ हमारे लिए अच्छी है, कुछ हमारे लिए अच्छा करता है, तो हमें उन चीज़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए और हमें उन चीज़ों को पत्थर पर लिख देना चाहिए। तो पत्थर पर लिखने का मतलब यह है कि हमें उन चीज़ों को हमेशा ही याद रखना चाहिए, और जो बुरी चीज़ें उनको भूल जाना चाहिए और अच्छी चीज़ों को हमेशा याद रखना चाहिए। तो दोस्तों ये एक छोटा सा प्यारा सा संदेश था इस कहानी का, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं यदि आपका कोई भी सुझाव हो। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड बाय।